क्लोराइड टूटकर आयन देता है और ये टूटकर आयन देता है, केवल घुलता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट केवल घुलते हैं वाटर में पर आयन्स नहीं देते, ये घुलते भी हैं और टूटकर आयन्स भी देते हैं। इसका मतलब ये घुलने के बाद टूटता है और टूटने के बाद वो आयन्स देता है, ये घुलता है पर टूटता नहीं है, टूटता नहीं है तो फिर आयन्स नहीं देता है। तो इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल लिए थे, ऑल टाइप ऑफ एसिड आर द एग्जांपल ऑफ ऑल टाइप ऑफ बेस आर द एग्जांपल ऑफ ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल क्या थे? All type of organic compound are called as non-electrolytes, जैसे glucose, sucrose, cane sugar, urea is also an organic compound, urea का क्या होता है? NH2, CO NH2, मूल कॉन्सेप्ट में कई बार आया था यूरिया, तो यूरिया इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट इज दिस इज द फर्स्ट मैनमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया वाज द फर्स्ट मैनमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया एक पहला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको सबसे पहले मानव ने बनाया। कहने का मतलब ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर्टिफिशियल तरीके से सबसे पहले यूरिया को ही बनाया गया था, ठीक है? उसके बाद तो ढेर सारे है ना साइंटिस्टों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाना शुरू किया लेबोरेटरी के अंदर कृत्रिम तरीके से, इनऑर्गेनिक मटेरियल से, है ना? तो यूरिया ऑल्सो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज ऑल्सो अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये घुलते तो हैं बट टूटकर आयन नहीं देते हैं, ठीक है? प्रोटीन इज ऑल्सो ए ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट इज ऑल्सो ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फैट, वसा, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो जल में घुलते तो हैं पर आयन नहीं देते, जल में घुलते तो हैं पर टूटकर आयन नहीं देते, और ये सब सारे जल में भी घुलते हैं और जल में घुलने के बाद टूटकर आयन भी देते हैं। सभी बेस जल में घुलते हैं, घुलने के बाद टूटकर क्या देते हैं? सभी सॉल्ट जल में घुलते भी हैं और टूटकर क्या देते हैं? आयन। पर ये सब जल में घुलते हैं पर टूटकर आयन नहीं देते। क्या हम यहाँ तक बात कर चुके थे कल? इसके आगे का स्टार्ट करें, यहाँ से कल बात होगा। अब देखो हमारे सिलेबस में, देखो सिंपल सी बात है, हमें पढ़ना है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो बताओ इलेक्ट्रोलाइट आयन देगा कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट आयन देगा? तो आगे किसको लेकर चलेंगे? यानी आयनिक इक्विलिब्रियम में हम किस टाइप के सब्सटेंस की बात करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट आयन देते ही नहीं है तो आयनिक इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं होगी। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में कैसे सब्सटेंस की स्टडी करेंगे हम? आगे किसको लेकर चलेंगे हम? पर एक चीज इन दोनों के बारे में और भी समझ लो, तब हम आगे किसको लेकर स्टार्ट करेंगे? आगे इलेक्ट्रोलाइट। क्यों इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ही तो आयन दे रहे हैं ना, यही तो आयोनाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? आयोनाइज। आयोनाइज का मतलब जो आयन देते हैं, आयोनाइज का मतलब, यानी इसको इसके लिए एक पॉइंट हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज आयोनाइज। और इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? इट इज नॉट आयोनाइज। आयोनाइज का मतलब जो आयन देता है। तो क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट आयन देते हैं? नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज नॉट आयोनाइज। ये आयन देता है इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलेंगे? इट इज आयोनाइज। ओके। इसके अलावा एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात याद करना, हम केमिकल इक्विलिब्रियम में लास्ट क्लासेस में, अंतिम के कुछ क्लासेस में हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कही थी। किसकी बात कही थी? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन याद करना। तो
अगर हम इलेक्ट्रोलाइट के केस में बात करें तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट मीन्स अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट मीन्स अल्फा, ये अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसके केस में इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जीरो नहीं होता, जीरो के अलावा कुछ भी हो जाए, 10, 20, 25 कुछ भी हो जाए, पर जीरो नहीं होगा। और इस केसेस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, शॉर्ट में डीओडी लिख दें, वहां भी लिखते थे डीओडी यानी अल्फा, यहां पर जीरो क्या होंगे, डिसोसिएशन का मतलब टूटना, यार ये तो टूट भी रहा है और टूट कर आयंस भी दे रहे हैं, इसका मतलब इसका अल्फा कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कभी भी जीरो, जब भी होगा तो जीरो से ज्यादा ही होगा, जब भी होगा तो जीरो से ज्यादा होगा, पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा जीरो ही होगा। ये बात हमेशा नोट करके चलना कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होते हैं या जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ होते हैं वो केवल घुलते हैं, टूटते, और जब टूटते नहीं है तो आयंस भी नहीं देंगे, तो जब वो टूट ही नहीं रहे तो अल्फा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो टूटने वाला चीज है ना, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो टूटेंगे ही नहीं, अगर ये टूट जाते तो आयंस दे देता, पर ये घुलते हैं पर टूटते नहीं है। यूरिया को अगर वाटर में डिजॉल्व करें तो ये यूरिया इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, तो ये घुल तो जाते हैं यूरिया वाटर में पर ये टूटते नहीं है, और जब टूटते नहीं है तो अगर ये टूट जाए तो आयंस दे दे। शुगर पानी में घुलते हैं पर वो टूटते नहीं है, शुगर पानी में घुल जाते हैं। आप चीनी का शरबत बनाते हो ना, पानी तो पानी में चीनी शक्कर घुल जाता है कि नहीं, पर वो टूटते नहीं है, घुल जरूर जाते हैं पर वो टूटते नहीं है। सर टूटने का मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अलग नहीं हो पाते, शुगर जैसे डाले शुगर के फॉर्म में ही रहेगा, शुगर के जो मॉलिक्यूल्स है वो ढेर सारे मॉलिक्यूल्स चिपके हुए हैं, वो मॉलिक्यूल्स अलग अलग नहीं हुआ, टूटना का मतलब ये होता है कि उनके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, अलग अलग, जिन मॉलिक्यूल से वो मिलकर बना है वो मॉलिक्यूल टूटने के बाद अलग अलग हो जाए, टूटना का मतलब ये होता है। तो शुगर टूटता नहीं है वाटर में, घुल जाता है पर टूटता नहीं है। यूरिया वो भी नहीं टूटता है, ग्लूकोज वो भी नहीं टूटता है, पर NaCl को डालो, NaCl घुल भी जाता है, और NaCl किन किन सी चीजों से मिलकर बना है, सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन, टूटने का मतलब मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाना, जिस मॉलिक्यूल से वो कंपाउंड बना है वो मॉलिक्यूल ही अलग अलग हो जाए। तो इस केसेस में जब ये टूट नहीं रहे तो अल्फा क्या हो जाएगा, और चूंकि ये टूट रहे हैं तो अल्फा जीरो नहीं होगा। तो पहचानने का एक तरीका और है कि जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जीरो हो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में आएंगे, और जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जीरो ना हो वो किस कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन इलेक्ट्रोलाइट का हम दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, क्या दोज सब्सटेंस, एक तो डेफिनेशन कर दिए थे शुरुआत में, दोज सब्सटेंस इन विच हैव degree of dissociation alpha is not equal to zero, that substance are called as क्या electrolyte। बताओ कितने लोग को समझ में आया definition? एक डेफिनेशन ये भी होता है कि जिस पदार्थ का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जीरो ना हो वो कौन से पदार्थ कहलाते हैं। बताओ इसका डेफिनेशन क्या बन गया, तो इसका डेफिनेशन क्या बन गया, दोज सब्सटेंस इन विच है degree of dissociation alpha is equal to zero, that type of
substance are called as non-electrolytes. क्या आपको क्लियर हुआ ये पॉइंट? सारे लोग को आत्मा को कितने लोग को क्लियर हो गया? सारे लोग को क्लियर हो गया? तो इसका दूसरा डेफिनेशन ये है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का ये है, जिसका अल्फा जीरो नहीं है वो इलेक्ट्रोलाइट, जिसका अल्फा जीरो है वो। अच्छा क्यों अल्फा जीरो है इसका? क्योंकि टूट ही नहीं रहा है ना, अगर वो एक बार टूट जाता तो अगर वो टूट जाता तो आयस दे देता तो फिर उसका अल्फा जीरो नहीं है। तो अगर कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट से वो घुल रहा है पर वो टूट नहीं रहा है, और टूट नहीं रहा है तो इसका मतलब वो आयन भी नहीं दे रहा है। तो अल्फा क्या होता है? टूटना ही, तो टूटने का परसेंटेज कि कितना वो टूट रहा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझाए थे ना, तो वही चीज तो है ये अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो ऑलरेडी हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा है पहले। तो अल्फा इसके लिए क्या हो जाएगा? और इसके लिए अल्फा जीरो नहीं, जीरो कुछ नहीं हुआ, 2, 10, 20, 50 कुछ भी हो सकता है, 80, 90, 85 कुछ भी हो सकता है, पर जीरो नहीं। और अल्फा तो वैसे भी निगेटिव नहीं हो सकता है, अरे हाँ है ना। तो ये लिख लो जो आज पढ़ा है, यहाँ से उसके नीचे जो भी लिखना है, 3 पॉइंट लिखा है ना, 0 पॉइंट लिखो फटाफट।